नमस्कार मित्रों, आवाज तुम्हारा डोगरा ब्लॉगर डोगरी वर्ल्ड था तो स्वागत करना अपने एक और नवे ब्लॉग च। अज का मेरा जोड़ा ब्लॉग है वो है एक होम स्टे का, जिते मैं स्टे करे करना है। और जिया तुम पता है कि पिछली बार जो अस नेपाल चे तो उत्थे भी एक होम स्टे हा। होम स्टे का फायदा होंगे कि ये कुछ का ही अपना एक घर हों और उन्हें उसी कमर्शली रखे हों एक थार कुछ मतलब एक सैट दो तीन चार कमरे जिते क्या होंगे कि लोग आते मतलब एक घर आले लेखा तुस उत्थे फील कर सकते हो, घर की तरह आप ऐसे फील करोगे। तो ये भी एक होम स्टे यहाँ पर हमने सोचा कि हम रहें, हालांकि जिनका ये घर है वो मेरी फ्रेंड ही है। तो ये पालमपुर से थोड़ा सा कोई मुझे नहीं पता कितना दूर होगा, ये मेरे ख्याल से पता नहीं, शायद मैं लोकेशन जो है वो डाल दूंगा। खैर तो ये है जी होम स्टे, जिधर मैं ये अभी उसकी छत है जिधर से ये मैं ब्लॉग कर पा रहा हूँ। देखो कितना, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी यहाँ पर कभी आए तो आपको, अगर आप नेचर लविंग पर्सन हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुंदर एक जगह होगी। खासकर जब अगर आप हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में घूमने आए तो बहुत ही अच्छी जगह देखिए आपके लिए होगी ये स्टे के लिए। देखिए आप, सबसे पहले तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था और ये छत है। तो यहाँ पर मतलब आप छत पे योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छा मौसम, ठंडा मौसम है, यहाँ पर खड़े होकर आप मतलब आनंद ले सकते हैं यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो खूबसूरती है। तो चलिए बात करते हैं इस होम स्टे के बारे में और भी कि कैसे ये कैसा ये होम स्टे है, क्या इनके पास फैसिलिटीज़ हैं। ये दरअसल जैसे मैंने आपको बताया, होम स्टेज जो होते हैं वो मोस्टली जैसे एक किस्म का घर ही होता है और घर जैसा फील करते हो, मतलब सब कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर होती है, किचन वगैरह ये वो सब कुछ जो जैसा मतलब घर जैसा होता है। आप सिर्फ फर्क कितना होता है कि दैट यू हैव टू पे फॉर दैट और आप अपना सामान कुछ ला सकते हो एंड देन यू कैन कुक दैट। और इसके अलावा इफ़ यू आर नॉट एबल टू कुक एनीथिंग सो आप इन्हीं के घर में जिनका ये घर है आप उनको बोल सकते हैं कि दैट दे कैन अरेंज सम फूड फॉर यू लाइक ब्रेकफास्ट डिनर या लंच जो भी है, सो वो भी आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। आई मीन फॉर दिस यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस। सो चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो जो छत था और क्या कौन से कैसे रूम हैं इनके वो देखते हैं और क्या साइट है अंदर की वो भी देखते हैं। एक रूम ये है जी, सबसे पहले और दूसरा रूम मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। बेडरूम जो है इस रूम की सबसे बड़ी खासियत ये देखिए आप, यहाँ पर खड़े होके आप आराम से जो भी वादियाँ हैं उनका आनंद नज़ारा ले सकते हैं। और ये देखिए ये रूम एकदम शांति, आप अपना यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और हर फैसिलिटीज है, टीवी इंटरनेट सब मिलेगा आपको। और चलते हैं और दूसरे रूम में, रूम की तरफ जो फैसिलिटीज और भी। और रूम ये है, थोड़ा सा सॉरी माफ करना, थोड़ा सा मैसी है लेकिन ये रूम है और ये यहाँ से देख सकते हो आपके काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो ये भी एक इनका रूम है जो कि यानी कि देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर एक दो फैमिली आराम से यहाँ पर रह सकती है। तो ये है और इनके वॉशरूम देखेंगे, दोनों यहाँ पर जैसे कि बकेट भी है और शॉवर भी है, हम सकते हैं साथ में ये
मशीन भी मिल जाएगी आपको ताकि आप कपड़े धो सको। ये थोड़ी सी साइड किचन साइड है यहाँ पे, या तो अगर आप खुद कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, या तो आप इनसे भी बोल सकते हो तो ये बना लेंगे आपके लिए। और कैन सीट हियर और आप नज़ारा ले सकते हैं बाहर का भी देखिए, और आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। यू गॉट टेलीविजन हियर, और अगर आप अपने रूम में टेलीविजन लगवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन्हें बोल सकते हैं कि जो दूसरा रूम, पहला रूम था जो मैंने आपको दिखाया उसमें तो टेलीविजन था, लेकिन जैसे दूसरे रूम में नहीं था, सो इफ यू नीड इट तो आप उन्हें बोल सकते हैं। तो ये जी इनका, तो ये इनका किचन साइड था। ये जो रूम मैंने आपको पहले दिखाया था ये उसका वाला नज़ारा है। उसके अलावा आप देख सकते हो उस घर में जो आंगन में है, ताकि आप घूम सकते हो, उन्होंने थोड़े छोटे पेड़ भी लगाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ आपको आंगन में या इनके टेरिस पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जगह है अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं। सो मैं आपको फटाफट वो जगह भी दिखा दूंगा, मतलब ये थोड़ा रोड साइड पे है ये जगह जो है। फिलहाल मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जैसे मक्की वगैरह लगा हुआ है। तो मतलब अगर आप जॉगिंग के शौकीन हैं, सुबह सुबह अगर आप जाकर कुछ सैर वगैरह करना चाहते हैं, तो दैट यू गॉट अ माइंड ब्लोइंग प्लेस फॉर द जॉगिंग। तो बिल्कुल शांत वाला, क्योंकि ये शहर से बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा है, और उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है जो थोड़ा सा शांति वाला मतलब वातावरण में अपना समय बिताना चाहते हैं, और थोड़ा चाहते हैं कि शहर के भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से थोड़ा सा दूर रिलैक्स मूड एकदम मतलब जाना चाहते हैं, योगा वगैरह करना चाहते हैं, है ना। सो ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस रोड। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, आप आराम से यहाँ से जॉगिंग कर सकते हैं, और ये जो रोड है ये वो बिल्कुल जहाँ जैसे मैं अपने कैमरे को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे मतलब वो रोड की डायरेक्शन है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, हल्की कोई गाड़ी अगर होगी तो वो यहाँ से आएगी। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर ज़रूर आइए, मैं रिकमेंड करूँगा, स्पेशली जब अगर आप जो नेचर लविंग लोग हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, जो योगा वगैरह करना चाहते हैं, और मतलब इन पहाड़ों में आप जा सकते हो, एंड यू कैन डू सम मेडिटेशन वगैरह, या मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि इस समय ये जो घर है ये सामने, अब यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको अगर दिख रहा है तो, इस घर में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सी अभी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इतना अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं कि आप यहाँ पर रह नहीं सकते, बट दे आर अपडेटिंग इट मोर, और ये और भी इस पर काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में शायद, जब आप मेरे ख्याल में जब तक आप बुकिंग करोगे तो शायद ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इंटरनेट फैसिलिटी, पानी, बिजली, सब कुछ यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली। हाँ, सिटी में अगर आपको जाना हो सो यू कैन गेट यू नो कार्स या बाइक, मतलब आप इन्हीं जो ऑनर हैं यहाँ के आप उनसे बात कर लीजिए, या आपको कोई ना कोई बाइक रेंट पे आप, या तो अगर आपने ऑलरेडी आपके पास है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको चाहिए एक मार्केट जाने को सो यू कैन हायर दैट ऑल्सो। सो मित्रों, ये होम स्टे है, तो इसके बारे में जो भी जानकारी है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा होम स्टे जिधर मैं खासकर स्टे कर रहा हूँ। बाकी की जानकारी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले लीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो अच्छा लगा ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो पालमपुर में रहते हुए अगले व्लॉग में और भी जगहों पे घूमेंगे, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय डुग्गर, जय भारत।